वेलकम टू माय चैनल बेनस ब्यूटी मंत्र। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई है, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ और मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी। इस तरह से आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, आप लोगों का प्यार भरा मिलता रहे। जो मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग लाइक दे रहे हो और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, वो मुझे बहुत प्रेरित कर रहा है। जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव मैसेज लेकर आई हूँ, वो है होलोग्राफिक मेकअप के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि होलोग्राफिक मेकअप आजकल बहुत ट्रेंडी हो रहा है, तो वो है क्या? जैसे कि आप इसका बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर मल्टी कलर्स हैं, मतलब एक ही चीज़ में मल्टी कलर्स जो विजिबल हो रहे हैं वो एक होलोग्राफिक मेकअप, बेसिकली क्ले लैंग्वेज में यही कहते हैं हम। पर एक्चुअल इसका हम डिफाइन जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है होलोग्राफिक मेकअप। तो होलोग्राफिक मेकअप एक ऐसा टाइप ऑफ कॉस्मेटिक दैट यूज लाइट रिफ्लेक्टिंग, मींस अगर आप इस साइड देखेंगे तो कुछ और कलर दिखाई दे रहा है, इस साइड लाइट इफेक्ट पड़ेगा तो कुछ और कलर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने पिक्चर भी रखी है तो आप देख रहे होंगे, एक तरफ आपको ब्लू विजिबल हो रहा होगा, उस लाइन में कहीं पिंक विजिबल हो रहा है, कहीं पर्पल विजिबल हो रहा है। सो आप लोग ये चीज़ जो है लाइट के हिसाब से, जैसे जैसे आप मूव करती हैं लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है तो उसके हिसाब से कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शो करता है उसके अंदर। इसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स और पार्टिकल्स रखे जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा क्रिएशन होता है, जो बहुत ही अच्छा इन्हांस करता है। आजकल आप देख रहे होंगे होलोग्राफिक पाउचेस आ रहे हैं, होलोग्राफिक मेकअप्स के साथ साथ आप लोगों के ड्रेसेस भी आ रहे हैं, जो बहुत ही कूल इफेक्ट देता है और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को। ऐसे जो मेकअप होते हैं जिस टाइप, जैसे आप रेनबो देखते होंगे ना, रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स विजिबल होते हैं, जस्ट लाइक दैट होलोग्राफिक मेकअप में भी ऐसा ही विजिबल आउट होता है। आपके नेल्स में भी होलोग्राफिक प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, आपके नेल्स जब आप लोग नेल्स लगवाते हो, नेल एक्सटेंशन करते हो, उसमें भी यूज़ होता है। तो होलोग्राफिक आजकल बहुत ही ट्रेंडी हो रहा है मेकअप, और आप देखेंगे उसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही मतलब एक ग्लॉसी इफेक्ट आता है, और बहुत ही जो उसका प्रोडक्ट होता है पार्टिकल्स, इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं होलोग्राफिक के, जो बहुत आप लोगों के मेकअप को बहुत ही नेचुरल लुक वे भी देते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसके फीचर्स क्या हैं होलोग्राफिक मेकअप के? देखो, होलोग्राफिक मेकअप के फीचर्स आप लोगों के क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कलर शिफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर है, उसके ड्रेसेस में मल्टीपल शेड्स हैं, तो वहाँ आप होलोग्राफिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर, पिगमेंट्स का यूज़ करके जब उसको उसकी आईज पे आप अप्लाई करेंगे आई शेडो, तो क्या होगा, काफ़ी अच्छी इन्हांसिंग होगी और आप लोगों को कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा मल्टी ऑफ शेड्स को लेकर। वन शेड लिया, उसके अंदर उसी के अंदर आपके मल्टीपल शेड्स होंगे होलोग्राफिक की वजह से, तो आप लोग का ईजिली जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट। लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट आप किसे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है, तो इस तरीके का ये पिगमेंट होता है जो बहुत ही शिमरिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में भी आप लोगों को मैंने शोन कर रखा है, देखो लाइट इफेक्ट की वजह से कहीं गोल्डन विजिबल हो रहा है, कहीं पिंक विजिबल हो रहा है, कहीं आपको लग रहा है मॉप सा कलर है, तो ये सब चीज़ें जो है एक लाइट की रिफ्लेक्टिंग होती है। थर्ड इज मल्टी डायमेंशन लुक। मल्टी डायमेंशन लुक कैसे है, ये एक 3D लुक क्रिएट करता है। 3D लुक क्रिएट कैसे, कि इसके अंदर 3 डायमेंशंस है, ये इतनी इसकी पिगमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी डीप होती हैं जो आप लोगों की कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट विजिबल्स करते हैं। फोर्थ इज वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी कैसे है, ये आपके कहीं भी लग मतलब जो पिगमेंट्स है कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी आईज पर, समटाइम्स लिप्स पे यूज़ कर सकते हो, चिक बोन एरिया पर, या कोई आपको करेक्टर मेकअप करना है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, आप अपने नेल्स भी यूज़ कर सकते हो। ये जो पिगमेंट्स रहते हैं बहुत ही एक लिमिट अमाउंट में लगते हैं, अमाउंट भी इनका जो अब आप पिगमेंट पे करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे, तो ये पिगमेंट्स लिए भी बहुत थोड़े से ही जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में पिगमेंट लेने होते हैं, और इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग देता है, क्योंकि इसकी जो पिगमेंट्स की
डेप्थ होती है, पिगमेंट्स की जो कलर होते हैं इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर आप देखेंगे स्ट्रॉन्गनेस ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज लेयरिंग अवेलेबिलिटी। जो होलोग्राफिक प्रोडक्ट्स होते हैं कैन बी लेयर्ड ओवर ट्रेडिशनल मेकअप टू इन्हांस इट्स अपीयरेंस एट अ होलोग्राफिक शीन। एक होलोग्राफिक शीन देता है, लेयर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा इन्हांस करता है। मतलब आपको इसको लगाने के बाद ना कोई ग्लिटर की जरूरत है, ना कुछ भी एनीथिंग एल्स आपको, इवन कि आपका आई शेडो उसकी भी जरूरत नहीं है। पिगमेंट्स लिए आपने लगाया और वो अपने आप में ही इतने इनफ होते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन होलोग्राफिक मेकअप प्रोडक्ट्स। होलोग्राफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस किस में यूज़ किए जाते हैं? आपकी आई शेडो में। आई शेडो में क्या होता है कि क्रिएट अ डायनेमिक एंड शिमरी आई लुक क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज लिप ग्लॉस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि जो इसकी आप फिंगर पे देख रहे होंगे कहीं ब्लू विजिबल हो रहा है, कहीं पिंक विजिबल हो रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको पर्पल टोन जा रही है। तो ये सब किस लिए क्रिएशन है? ये 3D डायमेंशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, होलोग्राफिक पिगमेंट्स, इतने स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स हैं जो आप लोगों की क्लैरिटी को एक इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट इज हाइलाइटर्स में यूज़ किया जाता है। हाइलाइटर्स में गोल्डन पिंक फेस का हाइलाइटर्स यूज़ किया जाता है, बहुत ही क्लासिक लुक देता है, बहुत ही ऑसम लुक देता है वो। आपको कुछ भी करने के उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा लगता है क्लास शाइन लुक हो गया आपका। नेक्स्ट इज नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में भी आजकल बहुत ज़्यादा होलोग्राफिक चल रहा है। आपके जो परमानेंट नेल एक्सटेंशन होती है उसके अंदर आप लोग पाउडर फॉर्म में होलोग्राफिक पिगमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसको नेल्स पर लगाने के बाद अगर आप नेल्स अप एंड डाउन करते हैं तो समटाइम्स वन साइड आपको अलग कलर दिखेगा, नेक्स्ट दूसरी साइड आपको अलग कलर विजिबल होगा। तो ये जो कलर की विजिबिलिटी है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग रिफ्लेक्ट की वजह से, ये बहुत ही आपको इन्हांसिंग करता है, बहुत अच्छा फील करवाता है कि हाँ कुछ है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा चॉइसिस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि किसी आपका होलोग्राफिक पिगमेंट है जिसके अंदर गोल्डन एंड पिंक कलर का शेड है, तो पता है आपको ये ईच एंड एवरी ड्रेस पे आपको जाएगा, आप किसी भी ड्रेस पे आप इसको लगा सकते हैं, है ना। तो गाइस होलोग्राफिक जो है आप लोगों का इतना ही है, जो आप होलोग्राफिक पिगमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होंगे, होलोग्राफिक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि होलोग्राफिक होता क्या है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और इस रिलेटेड आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे कंटेंट लाती रहूं और आपका साथ और हमारा साथ बना रहे। बाय बाय गाइस।